Hey guys, welcome or welcome back to my channel and here I am with a new vlog or a day in my life. So मैं आ गई हूँ मेरे पेरेंट्स के घर मतलब कटक में और आज मेरा डे 3 है. और क्या हुआ था, पहले दिन मैं बुधवार को आई थी तो मैं रात को यहाँ पहुँच गई. मेरी मम्मी चिल्ला रही है अपनी मदर टंग में मतलब हमारी यहाँ की जो उड़िया लैंग्वेज है मैं उसमें. तो मैं बुधवार को आई थी, बुधवार को मैं एक मैरिज पार्टी में आई थी तो रात को यहाँ पहुँची, वो अटेंड कर दी थी. गुरुवार को मुझे मैं भुवनेश्वर गई थी अपनी उसी काम से और इतनी थकान की वजह से मुझे शुक्रवार को थोड़ा अच्छा नहीं लगा फ्राइडे को. तो आज है सैटरडे तो मुझे अच्छा लग रहा है. मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मतलब मेरी तैयार हो गई हूँ कहीं पे जाने की. तो जाने का तो प्लान नहीं है, फिर भी सोच रही हूँ कहीं मैं जाऊँ क्योंकि वहाँ पे बैठ बैठ के बोर हो गई थी. तो यहाँ पे तो मैं बैठने आई हूँ नहीं, आई ही नहीं हूँ. तो देखते हैं आज कहाँ जाने की प्लानिंग बनती है. मेरे छोटे भाई को बोली हूँ कि मुझे कहीं पे लेके जाए, वो बोलता है कि हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे. तो देखते हैं वो मुझे कहाँ लेके जाता है. गाना सुन रहा है तो मैं आई हूँ उसे पूछने कि कहीं जाने वाले है या नहीं. शाम को तय करेंगे किधर जाएंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं हम. वो तो शाम को बताएंगे हम. यहाँ अभी अपन सॉन्ग सुन रहा है तो बहुत बिजी है वो, हमेशा अपनी हेडफोन को ऐसे लगा के रखता है, बोलता है कि मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ. देखते हैं. सो हो गई है शाम और मैं हो गई हूँ रेडी. अब हम जाएंगे वहीं पर जो मैं सुबह जो जगह बोली थी आप लोगों को. आपको मैं आज हमारी नदी दिखाऊंगी, महानदी कितनी सुंदर है. और वहाँ पर जब भी मैं बैठती थी, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी वहाँ पर जब भी मैं बैठती मुझे बहुत सुकून मिलता था. आज मैं फिर से जा रही हूँ वही जगह पर मेरे छोटे भाई के साथ और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी आउटफिट ऑफ द डे. सो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे. जगह पर और आपको दिखा रही हूँ वहाँ का रास्ता. ये हमारी गांव में ही है. तो नहीं, थोड़ी देर चलकर हम दोनों यहाँ पर बैठ गए हैं. और वो हमेशा की तरह अपने फ़ोन में ही एंगेज है, हमेशा फ़ोन चलाता रहता है, कभी इंस्टा चलाता रहता है तो कभी मतलब वो क्या है हमेशा अपने हेडफोन से गाना सुनता रहता है. तो मैं बोली चलो यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाते हैं तो हम दोनों बैठ गए हैं. अपना मास्क नहीं उतर रहा है, कोरोना का समय है. वो बोल रहा है कोरोना का टाइम है तो मास्क क्यों उतारना है. और वो जो ग्रुप वहाँ पर खड़े हैं वो येल्लो वाले मतलब ये जो चल रहे हैं वो नहीं, वहाँ पर जो खड़े हैं येल्लो और टील ग्रीन कलर के जो स्वेट शर्ट पर खड़े हैं वो लोग इसको फोटो उठाने के लिए उठा रहे. तो ये थोड़ा सा मतलब इसका जो टोन है ना इस तरह से है कि कोई भी सोचेगा कि ये गुस्सा है. तो ये गया था फोटो उठाने पर ये गुस्सा नहीं होता है, ये सबसे मतलब ये कभी गुस्सा ही नहीं होता है. इसके बारे में क्या भी इतना बोलूँ. एंड इग्नोर माई आइज, वो सनलाइट इधर से मेरे मुँह पर पड़ रहा है तो मेरे आँखें ज़्यादा सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई सीधे देख नहीं सकते. पर मैं नॉर्मली भी मेरे जो आँख है वो नॉर्मली भी सनलाइट को मतलब कभी टिल्टेड हो तभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो मैं आपको यहाँ की ओवर व्यू दिखाती हूँ, चलिए. Thank you.
अब हम खिंचवाएंगे फोटो, तो कैसे बोलते हैं ऐसे कैसे, तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो पिया। बहुत ही लंबा है, मतलब ये जो रास्ता है बहुत ही लंबा है, हम वहाँ तक तो नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग लौट रहे हैं घर। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, इतना 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 लंबा है रास्ता। तो मैं आपको अब दूसरी रास्ता दिखाऊंगी, जिस रास्ते से हम दोनों लौटेंगे, मतलब हम लोग आए थे जिस रास्ते से, इस रास्ते से जाना और वहां पर चढ़कर जाना, मुझे थोड़ा तकलीफ होता है और डर भी लगता है, तो हम लोग जाएंगे इस रास्ते से। लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सेफ्टी वगैरह के लिए कुछ रखा हुआ है, जो फायर के लोग हैं वो सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसको डाले हुए हैं, उनके निगरानी में ही यहाँ पर लोग बोटिंग कर सकते हैं, या तो कुछ मतलब संतरण की ट्रेनिंग भी लेते हैं, बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो बस इतना कुछ ही, वहाँ पर दो कुत्ते हैं वो भौंक रहे थे, तो मुझे डर भी लग रहा है, वहाँ पर उनकी कैंपेन है, तो इस वाले रास्ते से हम जा रहे हैं। हम घूम के आ गए हैं, अब जा रहे हैं हमारे गांव के पास, और एक गांव है वहां पर एक साईं बाबा जी का मंदिर है उसको देखने। इसीलिए मेरी चोटी ऐसी बन गई है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर, और मुझे लगा कि मंदिर बंद है, नहीं मंदिर खुला था, क्योंकि ये जो बड़ा वाला गेट है इधर ये बंद है, छोटा वाला गेट खुला था। तो भाई ने बोला कि, छोटे ने बोला कि नहीं खुला है, चल देखते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ, आपको मैं मंदिर दिखाती हूँ। मुझे पता है आपको गाड़ी की भी साउंड आ रही होगी, क्योंकि हम लोग लौट रहे हैं घर, और आज का जो थोड़ा घूमना था हो गया मेरा। मैं और छोटे ने बहुत घूमा मिलकर, बहुत नहीं थोड़ा सा घूमा, मतलब नदी देखे और यहाँ की जो साईं मंदिर है
आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, लव यू, ये वाला नहीं।